पंजाब का 50% से अधिक इलाका, एरिया, क्षेत्रफल अब पंजाब का या पंजाब पुलिस का नहीं रहा। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर से लेकर अरेस्ट से लेकर सर्च एंड सीजर से लेकर हर चीज अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार खुद करेगी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो नरेंद्र मोदी जी की पुलिस है वो करेगी। हमने सीमा सुरक्षा बल, SSB, आसाम राइफल, ये तीनों को केस करने के अधिकार दे दिए गए हैं, क्योंकि कहते हैं भाई सीमा भारत की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है, निगरानी नहीं रखते, ड्रग वहां से आ रही है। और जब BSF को अधिकार देते हैं तो कहते हैं राज्यों के अधिकार ले लिए, तो BSF वहां क्या करेगी भाई, आप बताइए मुझे क्या करेगी। मान्यवर, ऐसा मसला नहीं है। और BSF कौन सी फॉरेन एजेंसी है? हमारे देश के दुश्मन ड्रग भेज रहे हैं, BSF वाले पकड़ेंगे, केस करने का अधिकार नहीं है। SSB वाले पकड़ेंगे, केस करने का अधिकार नहीं है। क्या करेंगे निहत्था बैठकर? जो लोग इसको पॉलिटिकल इश्यू बना रहे हैं वो ड्रग के कारोबार का समर्थन कर रहे हैं। एजेंसियां निहत्थी होकर काम नहीं कर सकती मान्यवर, एजेंसियों को अधिकार देना पड़ेगा। और मेरा स्पष्ट मानना है कि एजेंसियों को अधिकार देना चाहिए। हमारी एजेंसियों पर, देश की एजेंसियों पर, देश का संसद को अगर भरोसा नहीं है तो किस हिम्मत से वो काम करेगा।